So application 3, to deduce the relation among the physical quantity or to derive the relation among physical quantities. So इसके लिए हम एक example ले रहे हैं. हम बोल रहे हैं कि let's suppose कोई circular path है जिसकी radius r दे रखी है मान लीजिए, और इस r radius के path पर एक small m mass का object, ये बड़ा बना दिया मैंने, कुछ ज्यादा ही हो गया, बड़ा थोड़ा छोटा कर लेता हूँ. तो ये स्मॉल एम मास का ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है और इसकी वेलोसिटी बता रखी है स्मॉल वी, मास स्मॉल एम. तो ये देखा गया कि जब कोई एम मास का ऑब्जेक्ट वी वेलोसिटी से किसी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जर्ट होता है. इसको कैसे समझा होगा कि हमने नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा कि जैसे एक हाथ में हमने एक रस्सी ले ली और उसके आगे एक स्टोन बांध दिया, पत्थर बांध दिया, और उसको हम ऐसे घुमा रहे हैं सर्कुलर राउंड में. तो सर्कुलर राउंड में घुमा रहे हैं, किसी पॉइंट पर अगर वो थ्रेड टूट जाता है तो वो बिल्कुल टेंजेंशियल डायरेक्शन के अंदर मूव करता है. ये सब कुछ आपने नाइन्थ ग्रेड में भी पढ़ा होगा और कॉमन सेंस से भी पता है कि ऐसे धागे को लेकर के स्टोन बांध करके ऐसे जब हम घुमाते हैं राउंड 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 राउंड, तो वो उसके अंदर स्टोन कौन से पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ के अंदर घूम रहा है. तो उसका मतलब यहां पर और हमारी ऊपर एक फोर्स भी लग रहा है जिसके कारण वो थ्रेड बिल्कुल स्ट्रेट रहता है. यानी कि जब वो लड़का खड़ा हुआ होता है तो अपने हाथ से जब यहाँ पे इस तरह से थ्रेड रहता है तो यहाँ पर ये वाला जो थ्रेड है वो कहीं पे भी हो वो हमेशा स्ट्रेट रहता है, जबकि अगर आप उसको घुमाना छोड़ दो तो वो बिल्कुल नीचे वापस से हैंग हो जाएगा, नॉर्मल सिचुएशन के अंदर आ जाएगा. तो ये वाली सिचुएशन, इसका मतलब यहां पर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई चीज, कोई थ्रेड स्ट्रेच हुई भी है तो वो पॉसिबल तभी है जब यहाँ फोर्स लग रहा हो, वरना अगर एक तरफ से छोड़ दो तो थ्रेड बिल्कुल नीचे गिर जाएगी वापस से. तो इसको खींच करके रखने के लिए कंपलसरी कोई फोर्स लग रहा हो. और यहां पर ये ऑब्जेक्ट ये चाह तो रहा है आगे इधर जाना, लेकिन इसको यहां से बांध रखा है तो इस पर एक फोर्स इधर लग ही रहा होगा, तभी तो ये आगे जाकर के भी इधर की तरफ ही आ रहा है, आगे जाकर के भी इधर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है. इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की, लेकिन ये बाहर नहीं जा पा रहा, क्यों? क्योंकि सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा है जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. तो बोला क्या गया, इसका मतलब अगर मैं खुद पूछूं आपसे तो आप ऑब्जर्वेशन करके क्या क्या बताओगे कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स कब लग रहा है? पहली चीज जब सर्कुलर पाथ हो, दूसरी चीज जब उसका एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से घुमाया, अगर आपने पर्टिकुलर वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से घुमाया तो वापस नीचे गिर जाएगा. यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, एक तो वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है. क्या इसके मास पे भी डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है. कम ज्यादा मास होगा तो स्पीड वगैरह और ये सारा पाथ डिफरेंट डिफरेंट होगा, टूट सकता है, सब कुछ हो सकता है, मास पे डिपेंड कर रहा है. क्या रेडियस पे, कितनी बड़ी उसमें मूव कर रहा है, कितनी तेजी से मूव कर रहा है? छोटी रेडियस होगी तो फास्ट घूमेगा, बड़ी रेडियस होगी तो थोड़ा धीरे धीरे घूमेगा ऐसे. और यहाँ हो गया तो वही चीज उतना है उतना ही, अगर सेम स्टोन लोगे तो फास्ट घूमेगा कम रेडियस में, यानी कि रेडियस पर भी डिपेंड कर रहा है. तो ये डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब एफ का फॉर्मूला एम पर, आर पर और वी पर, इन पर डिपेंड कर रहा है. कोई कहते हैं कि नहीं सर ग्रेविटी पे कर रहा है, तो लिख देना सर ग्रेविटी भी लिख देना. तो जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसको अब हम साइंटिस्ट की जैसे चाहते हैं कि कोई फॉर्मूला बनाए. तो हमने क्या बोला कि सिंस वी नो दैट, हमें क्या पता चला, वी नो दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इज डिपेंडिंग ऑन मास वेलोसिटी एंड रेडियस. हेंस वी कैन रिलेट द एफ विद these physical quantities which are m, v and r. तो इसका मतलब हम f को vm, v और r से relate कर सकते हैं as following. अब हमें नहीं पता कि ये mass कितनी बार आना चाहिए, velocity कितनी times आनी चाहिए, भाई m square हो, m cube हो या m हो, v square हो, v cube हो, v one हो, r square हो, r की power minus 2 हो, r की power minus 3 हो, r cube हो, क्या हो, तो हमें नहीं पता. तो हमने क्या बोल दिया, हम बोलेंगे हमेशा कि फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन मास. कितनी टाइम्स रिलेट कर रहा है पता नहीं, तो पावर ए बोल दी.
वी पर डिपेंड कर रहा है, कितनी बार डिपेंड कर रहा है नहीं पता, पावर बी बोल दी। आर पर कितनी बार टाइम डिपेंड कर रहा है, पावर सी बोल दी। ये इन पर डिपेंड कर रहा है। डिपेंडेंसी के लिए हम लगाते हैं प्रोपोर्शनल का साइन कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम पावर ए, वी पावर बी, आर पावर सी। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं हमेशा इक्वल्स टू और कोई कांस्टेंट, के क्या है एक कांस्टेंट, और ये जब भी कोई कांस्टेंट आएगा इसको हम जब हम फॉर्मूला डेराइव कर रहे होंगे तो इसको हम डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट मानेंगे, यानी कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं लेंगे। तो हमने बोला ये बन गया एम पावर ए, बी पावर बी, आर पावर सी, इसको दे दी इक्वेशन नंबर वन। अब अगर हमने बोल दिया कि ये फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला है, तो अभी अभी हमने एप्लीकेशन टू पढ़ी थी जिसमें हम बोल रहे थे कि अगर कोई फॉर्मूला, कोई फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला है तो उसकी LHS और RHS की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, यानी कि इधर फोर्स है तो ये सब कुछ मिलकर के वापस से क्या बनना चाहिए, फोर्स ही बनना चाहिए। ठीक है साहब, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि ये फोर्स बनना चाहिए तो इसका मतलब है कि LHS और RHS की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो हमने लिखा नाउ इफ इक्वेशन वन रिप्रेजेंट्स द फॉर्मूला और रिलेशन ऑफ एफ ऑफ फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स विद द विद अदर क्वांटिटीज देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशंस ऑफ LHS एंड RHS शुड बी इक्वल। अब यहां हमें चेक नहीं करना कि डायमेंशन सेम होंगी कि नहीं होगी, हम तो कह रहे हैं कि ये फॉर्मूला है तो इसका मतलब तो कंपलसरी है कि जैसे F is equal to M है, तो F का डायमेंशन फॉर्मूला अगर M1 L1 T-2 है तो कंपलसरी अगर M है उसके बराबर है तो M का भी डायमेंशन फॉर्मूला मिलकर के M1 L1 T-2 ही आना चाहिए। तो यही चीज हम इसके लिए भी बोल रहे हैं कि अगर ये है फोर्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये सब कुछ मिलकर के कितना डायमेंशनल फॉर्मूला देना चाहिए, M1 L1 T-2, देन RHS शुड बी इक्वल। दैट इज हियर क्या लिख दें, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ F शुड बी इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ K MA BB RC। ये आप यहां पे पहले एक लिख सकते हैं हियर LHS, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ LHS शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ RHS। अब जब हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, अब ये आपको बताया नहीं जाएगा, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो हमने लिख दिया M1 L1 T-2, इधर K का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं तो हमने इसको ऐसे अलग अलग करके लिख दिया M पावर A, क्यों, क्योंकि K क्या है यहां साइड में लिखेंगे इसको, सिंस K इज डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट, ठीक है, B पावर B, R पावर C, ठीक। तो M1 L1 T-2 मास का डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल M 1 पावर A, B का डायमेंशनल फॉर्मूला L1 T-1 पावर B, R का डायमेंशनल फॉर्मूला R रेडियस, रेडियस एक तरह की डिस्टेंस या लेंथ ही है, पावर C। हमें क्या मिल गया, M1 L1 T-2 इज इक्वल टू 1 × A, L1 पावर B B, T-1 पावर B माइनस B, L1 पावर C C। हमें क्या मिल गया साहब, M1 L1 T-2 इज इक्वल टू MA LB और LC, LB प्लस C क्योंकि बेस सेम तो पावर साइड, T-B, ठीक है। इक्वेशन नंबर इसको देंगे हम, इसको तो देंगे कहां पे, इक्वेशन वन ये दे रखी थी, इक्वेशन टू। अब अगर ये दोनों चीज सेम फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग पावर सेम होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, अगर ये M1 L1 T-2 है तो ये सब कुछ मिलकर के भी क्या बनना चाहिए, M1 L1 T-2। तो हम बोलेंगे नाउ बाय कंपेयरिंग पावर्स, पावर्स की जगह यूज क्या करेंगे, कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ रेस्पेक्टिव क्वांटिटीज,
तो पावर्स को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशंस, रेस्पेक्टिव क्वांटिटीज। रेस्पेक्टिव क्वांटिटीज का मतलब एम की पावर को कंपेयर करें तो ए इज इक्वल्स टू वन, इक्वेशन नंबर थ्री, वन इज इक्वल्स टू ए। ठीक इसी तरह से बी प्लस सी इज इक्वल्स टू वन, बी प्लस सी इज इक्वल्स टू वन फोर्थ, और माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस टू, माइनस बी इज इक्वल्स टू माइनस टू, माइनस से माइनस कैंसिल, बी इज इक्वल्स टू टू फाइव। तो देखो ए पता चल गया, बी पता चल गया, तो देखो सी यहां पे पता चल जाएगा, तो ये सी हम निकाल लेते हैं, देखिए यहां पर। सो देयरफॉर बी प्लस सी इज इक्वल्स टू वन, बी की वैल्यू कितनी है टू, टू प्लस सी इज इक्वल्स टू वन, सी की वैल्यू कितनी आ गई वन माइनस टू माइनस वन। तो हमने क्या सी की वैल्यू भी निकाल ली क्या, माइनस वन, इक्वेशन नंबर सिक्स। सो बाय इक्वेशन थ्री फाइव एंड सिक्स इंटू वन वी गेट, क्या बोल रहे हैं हम, थ्री फाइव और सिक्स से एबीसी की वैल्यू निकल गई, तो यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, वी गेट थ्री इंटू वन, वी गेट एफ इज इक्वल टू के, एम की पावर ए वन, वी की पावर बी, बी बोले तो टू, और आर की पावर सी, सी बोले तो माइनस वन। तो देखो माइनस वन है तो इसको नीचे ले जाऊं, एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और के की वैल्यू जब प्रैक्टिकली फाइंड की गई एसआई के अंदर तो इसकी वैल्यू आई, के की वैल्यू प्रैक्टिकली जब फाइंड करते हैं तो वन, तो फॉर्मूला बन जाता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो देखो ये हमने फॉर्मूला ही डेराइव कर लिया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर कैसे आता है। अब कितनों को समझ में आ गया अच्छे से?